नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे, यदि आप एक किसान हैं और आपको कोई यंत्र खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, कल्टीवेटर, रोटावेटर, मल्टीप्लाव आदि कोई भी कृषि यंत्र खरीदना है, तो आपको कृषि अनुदान राशि कैसे मिले, मतलब सब्सिडी जो कि 50% तक सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा, वो कैसे प्राप्त हो। यदि आपने सब्सिडी का लाभ लिया है और आपके बैंक अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आया है, इसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। चलिए अब सर्च बारे में हम टाइप करेंगे कृषि यंत्र। कृषि यंत्र लिखकर जैसे सर्च करेंगे, हमें ई कृषि अनुदान यंत्र करके एक साइट दिखाई देगा, उसे हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कृषि विभाग की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। ये देखिए, हम कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसे सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर मोबाइल कर लेना है। अगर यहाँ पर कोई सी भी सब्सिडी चल रही होगी तो यहाँ पर आपको बता देगा कि ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल अंतर्गत प्रति निर्माताओं के अधिक अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि हेतु पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में पत्र। अगर यहाँ पे कोई किसी यंत्र पर सब्सिडी चल रही होगी तो यहाँ पर यह न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको बता देंगे कौन सी सब्सिडी चल रही है। तो चलिए हम इसे क्लिक हटा देते हैं। और आपको यहाँ पर देखना है पंजीकृत आवेदकों की सूची, मतलब किन किन ने पंजीयन किया है, हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन की वर्तमान स्थिति, मतलब अभी यदि आपने सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया है और आपकी अभी तक सब्सिडी नहीं आई है बैंक अकाउंट में, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो चलिए मैं इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन की स्थिति, वर्तमान स्थिति पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वर्तमान आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देगा, या तो आवेदन क्रमांक या आधार क्रमांक। तो चलिए हमारे पास आवेदन क्रमांक है, तो हम उसे क्लिक कर देते हैं। चलिए जैसे आप आवेदन क्रमांक इस पर डालकर खोजेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का परिणाम शो होने लगेगा। ये देखिए, पंजीकृत कृषकों की तिथि, इसमें एक ही या आवेदक कृषक का नाम, मोबाइल नंबर, जिला, विकासखंड, ग्राम और यहाँ विस्तृत जानकारी है, तो यहाँ पर क्लिक करें। अब ये देखिए, ये पूरी यह किसान ने 5 जुलाई 2022 को डीलर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर दिया था और यहाँ से डीलर ने कार्रवाई कर दिया। ये देखिए इसकी, अब 24 दिसंबर 2021 को अनुदान स्वीकृति विकृत जारी की गई, अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब आपको यहाँ आवेदन क्रमांक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आवेदन क्रमांक पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब अपडेट हुआ था। यहाँ पर लास्ट अपडेट 24 दिसंबर 2021 को, यहाँ पर जैसे ही पेमेंट आपके प्रोसेसिंग में रहेगी, यहाँ पर अपडेट आपको दिखा दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।